हे गाइस, कैसे हैं आप सब। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपको HDFC बैंक की तरफ से ATM कार्ड मिला है और आपको पिन नहीं मिला है, तो आज मैं आपको बताने वाला हूं आप अपना ATM कार्ड का पिन कैसे बना सकते हैं, यानी कि आप ATM कार्ड का पिन कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो गाइस, मैं आपको बता दूँ, ATM पिन जनरेट करने के लिए आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, जो कि आपको ATM मशीन पर विजिट करना पड़ेगा। नेट बैंकिंग का ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिया गया है। आपको स्लिप में मिलते हैं कि आप इस तरह से अपना जो है नेट बैंकिंग के थ्रू अपने ATM पिन बना सकते हैं, बट वहाँ पर जो है वो ऑप्शन काम नहीं करते हैं। पहले काम करता होगा, बट इस बीच में जो है उस ऑप्शन को डिसेबल कर दिया गया है। तो आपको ATM पिन बनाने के लिए जो है आपको ATM मशीन पर विजिट करना पड़ेगा। आप दूसरे ATM मशीन पर विजिट मत कीजिए, जो आपके नियरेस्ट HDFC बैंक का ATM मशीन है, तो आप HDFC बैंक के ATM मशीन पर ही विजिट कीजिए। तो ATM मशीन पर विजिट करने से पहले सबसे पहले आपको एक OTP मंगाना होगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ आप ATM पिन बनाने से पहले अपना OTP कैसे मंगा सकते हैं। सबसे पहले, अगर आप इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया था, उस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए। तो गाइस, OTP मंगाने के लिए सबसे पहले आपके पास नेट बैंकिंग का अकाउंट होना चाहिए। अगर आपके पास नेट बैंकिंग का अकाउंट है, तो आप अपने फ़ोन में जो है HDFC बैंक के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। और आप HDFC बैंक के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके जब आप ओपन करेंगे, तो आपको अपना कस्टमर नंबर और अपना नेट बैंकिंग का पासवर्ड डाल के यहाँ पे लॉगिन करना है। अगर आपको पता नहीं है कि नेट बैंकिंग का अकाउंट कैसे बनाते हैं, तो उसके ऊपर मैंने पहले ही वीडियो बना दिया है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपना पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेता हूँ, और लॉगिन करने के बाद जो है आपके पास एक ऐसा पेज ओपन हो जाएगा, और आपके अकाउंट में जितना बैलेंस रहेगा वो बैलेंस आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो अब आपको यहाँ पे क्लिक करना है मेनू में। क्लिक करने के बाद जो है आपके पास एक ऐसा ऑप्शन आ जाएगा, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। तो आपको क्लिक करना है पे में। क्लिक करने के बाद आपको क्लिक करना है कार्ड्स में। क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखेगा डेबिट कार्ड, और आप ये देख सकते हैं डोमेस्टिक लिमिट मुझे मिला है 4 लाख का। तो आपको यहाँ पर डोमेस्टिक लिमिट में क्लिक करना है। उसके बाद आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा सेट पिन, तो आप यहाँ पे सेट पिन में क्लिक कीजिए। सेट पिन में क्लिक करने के बाद आपको रीजन में सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है पिन नोट रिसीव्ड। ओके, तो आप यहाँ पर पिन नोट रिसीव्ड में क्लिक कर दीजिए, और आप आई हैव रीड में क्लिक करके जो है आप कन्फर्म में क्लिक कर दीजिए। कन्फर्म में क्लिक करने के बाद जो है आपके पास एक यू हैव सक्सेसफुली जनरेटेड OTP, ओके, एक ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। तो अपना फ़ोन चेक कीजिए, आपके फ़ोन में एक OTP रिसीव हुआ होगा, और ये OTP 6 डिजिट का होगा। तो आप इस OTP को यूज करके जो है 30 दिन के अंदर आप इस OTP को यूज करके अपना ATM पिन बना सकते हैं। तो जब आपको भी OTP रिसीव हो जाएगा, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ आप ATM मशीन पर जाके अपना ATM पिन कैसे बना सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपको HDFC के ATM मशीन पर विजिट करना है, और आपको अपना ATM कार्ड इस तरह से ATM मशीन में इंसर्ट करना है। कार्ड इंसर्ट करने के बाद जो आपके पास कुछ ऐसा पेज ओपन होगा, तो आप यहाँ पर इंग्लिश में क्लिक कीजिए, और आप यहाँ पर सेट योर पिन में क्लिक कीजिए, और आपको जो 6 डिजिट का OTP रिसीव हुआ था, आप OTP डाल के आप कन्फर्म में क्लिक कीजिए। उसके बाद आप अपना फ़ोन नंबर इंटर कर दीजिए, जो आपके बैंक अकाउंट के साथ लिंक है, और आप कन्फर्म में क्लिक कीजिए। कन्फर्म में क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन आएगा इंटर योर नेम 4 डिजिट ATM पिन। तो आप इस कीबोर्ड के सहायता से हैं अपने मन से 4 डिजिट का पिन सेट कर सकते हैं। आप वो पिन टाइप कर दीजिए, और आप वही पिन आप यहाँ पर फिर से रीएंटर कर दीजिए। उसके बाद जो है आपको एक मैसेज आएगा प्लीज वेट का, और आपका ATM पिन जो है यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। आप जो 4 डिजिट का पिन टाइप किए हैं, वही आपका पिन बन जाएगा, और आपको एक रिसीव भी मिलेगा, इसमें लिखा रहेगा पिन चेंज। ओके, तो अब आपका ATM पिन बन चुके हैं। ATM पिन बन जाने के बाद जो है, अगर आप इसको कन्फर्म करना चाहते हैं, तो आप अपना ATM मशीन ATM में स्वाइप कीजिए, और आप अपना बैलेंस यहाँ पर विड्रॉ कीजिए। देखिए कि आपका बैलेंस यहाँ पर विड्रॉ हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर मैंने अपना ATM कार्ड इंसर्ट किए हैं, तो अब मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ इंग्लिश में, और यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ मेन मेनू में, और यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ विड्रॉ कैश में, ताकि मैं ये देख लेता हूँ कि मेरा ATM पिन बना है कि नहीं। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ कंटिन्यू में। कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद जो यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं सेविंग अकाउंट, और यहाँ पर हम डाल लेते हैं एग्जाम्पल के लिए 1000 रुपीज़, और यहाँ पर हम कन्फर्म में क्लिक कर देते हैं। और अभी जो मैंने पिन सेट की है, वो पिन मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं। पिन डालने के बाद आप ये देख सकते हैं यहाँ पर कैश अकाउंट होना स्टार्ट हो चुके हैं, और यहाँ पर मेरा ATM कार्ड भी आ चुका है। तो अगर आपको यहाँ पर कैश मिल जाते हैं, आपका कैश अकाउंट हो जाते, तो आप समझ लीजिए कि आपका ATM पिन बन चुके हैं। तो आप ये देख सकते हैं मेरा कैश यहाँ पर 500 रुपीज़ मुझे मिल भी चुका है, यानी कि मेरा ATM पिन अब सक्सेसफुली जनरेट हो चुके हैं। तो
आप इसी तरह से जो है अपना ATM पिन जनरेट कर सकते हैं ATM मशीन पे जाके। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप ऐसे ऐसे वीडियो और भी देखना चाहते हैं HDFC बैंक से रिलेटेड, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए, क्योंकि ऐसे ऐसे वीडियो हम रेगुलर बनाते रहते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।